नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल, प्रेसिडेंट हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। होम्योपैथी को हम कैसे प्रमाण दे सकते हैं? अभी कुछ दिनों पहले मैं डॉक्टर बख्शी के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में गया और टीचर्स एंड स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन हुआ और सब्जेक्ट था कि होम्योपैथी के प्रमाण क्या हैं। जहां तक सवाल है मॉडर्न मेडिसिन का, हमारे प्रमाण होते हैं एविडेंस बेस्ड, हमारे प्रमाण होते हैं कि आपने डबल ब्लाइंड स्टडी करी, केस स्टडीज करी, हमारे प्रमाण होते हैं कि आपने रैंडमाइज स्टडी करी, हमारे प्रमाण होते हैं कि आपने मेटा एनालिसिस करी, कि आपने 100 लोगों को एक ट्रीटमेंट दिया, 100 लोगों को दूसरा ट्रीटमेंट दिया और फिर आप देखते हो कि इस दवाई को दे के नहीं दे। लेकिन अगर मैं प्रमाण को लेके चलूं, हमारी वैदिक साइंसेस थे तो 6 प्रकार के प्रमाण होते हैं। फर्स्ट इज प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और शब्द। आइए इन 6 के माध्यम से जानने की कोशिश करें क्या होम्योपैथिक साइंटिफिक है कि नहीं है। पहला है प्रमाण। बट इससे जाने से पहले हम थोड़ा होम्योपैथी के बारे में जान लें। जो क्लासिकल होम्योपैथी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टिंक्चर, बिकॉज टिंक्चर होम्योपैथी इज सेम एज एलोपैथी एंड सेम एज आयुर्वेद। व्हेन आई गो टू क्लासिकल होम्योपैथी, इट्स ए साइंस ऑफ नॉन मैटर। यानी कि मैटर को जब नॉन मैटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, होम्योपैथी स्टार्ट्स। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन में आप कोई दवाई को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं विद द डिमॉन्स्ट्रेबल मेथड्स, देन इट इज नॉट होम्योपैथी। इट इज सेम एज भस्म थेरेपी इन आयुर्वेद। इसके लिए मुझे समझना होगा, अगर मैं हमारे फिलॉसफीज को लेके चलूं, अगर मैं लॉजिक यानी कि न्याय मार्ग को लेके चलूं, न्याय फिलॉसफी को लेके चलूं, या मैं वैशाषिक अनु लेवल पे या परमाणु लेवल पे जाने की कोशिश करूं, या मैं योग या वेदांतिक या सांख्य फिलॉसफी को लेके चलूं, देन आई एम नथिंग बट ए वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। एट द लेवल ऑफ पार्टिकल आई एम ट्रीटिंग विद टिंचर होम्योपैथी, विद मॉडर्न मेडिसिन और विद कन्वेंशनल आयुर्वेद। बट वेन इट कम्स टू द वेव फॉर्म, देन आई एम यूजिंग कन्वेंशनल क्लासिकल होम्योपैथी, योगा, प्राणायाम, दीज आर द थेरेपीज आई एम यूजिंग। तो रिमेंबर, वेव फॉर वेव, माई बॉडी हैज ए वेव फॉर्म एंड दैट वेव वेन आई ट्रीट विद द वेव्स ऑफ द ड्रग, therefore a drug is also a wave particle duality, so is my human body. When I treat the wave with the wave portion, I think there comes the concept of homeopathy, which is based on the principles of quantum physics. Agar aisa hai to pratyaksh wo sari disorders jo wave se associated hain, depression, anxiety, mental disorders, allergies, aap ek allergy ka patient lekar jaiye, agar homeopath उसको इलाज कर देता है और उसकी दवाइयां, मॉडर्न मेडिसिन की दवाइयां छुड़वा देता है, तो प्रत्यक्ष के लिए आपको पेशेंट को ले जाना पड़ेगा होम्योपैथी के पास में, यह देखने के लिए कि उसका इलाज सही है कि नहीं है। इन्फरेंस, जो कि एविडेंस बेस्ड है, मॉडर्न मेडिसिन में इन्फरेंस है, इन्फरेंस इज बेस्ड ऑन पॉस्टुलेशन, हाइपोथेसिस, कि भाई ये दवाई, ये हाइपोथेसिस है, तो आप 100 पेशेंट्स लीजिए, 50 को होम्योपैथिक दवाई दिलवाइए, 50 को नहीं दिलवाइए और रिजल्ट को देखिए। तो होम्योपैथी कैन शो देयर साइंस बाय यूजिंग द अनुमान फिलॉसफी। उपमान, कंपेयर, एनालॉजी। अब उपमान के अंदर में आप क्या बोलते हो कि आप पढ़ाते हो कि अगर पेशेंट को ये वाले सिम्टम्स हैं तो उसमें यह दवाई काम करेगी। एंड इनफैक्ट द होल फिलॉसफी ऑफ होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन उपमान, दैट इज एनालॉजी, दैट इज एग्जाम्पल, दैट इज कंपेरिजन। अर्थपत्ति, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, यस यू कैन यूज सर्कमस्टांशियल एविडेंस ऑल्सो इन मैनी डिसऑर्डर्स। कि आपने एक पेशेंट को 3 दवाइयां दी, एक पेशेंट को हमने मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन का हमने इलाज किया और पेशेंट का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, एंड वी डोंट एक्सपेक्ट ए रिस्पॉन्स, और उसको हमने होम्योपैथिक एड कर दी और ड्रामेटिक रिजल्ट आया, द सर्कमस्टांशियल एविडेंस इज कि भाई द ओनली थिंग वी शुड हैव एक्टेड इज होम्योपैथी। कई बार होम्योपैथिक नसोट इस ढंग से काम करते हैं। अनुपलब्धि, नेगेशन,
भाई आयुर्वेद काम नहीं कर रहा, हमने आयुर्वेद की दवाई भी दी, होम्योपैथी की भी दी, एलोपैथी की भी दी, बाकी सब कोई काम नहीं कर रहा, बाय नेगेशन इट हैज टू बी ए होम्योपैथी शब्द टेस्टिमनी जो होम्योपैथी के एक्सपर्ट्स ने लिखा है उनको आपने बिलीव करना है. तो शब्द इज ए इन मॉडर्न मेडिसिन इज ए लीज बिकॉज दैट्स एन एक्सपर्ट्स ओपिनियन, बट इफ द एक्सपर्ट इज ए रिलायबल यू कैन. सो देयरफॉर होम्योपैथी के डॉक्टर्स को इन छह माध्यम से अपनी रिसर्च करनी चाहिए और उसके माध्यम से प्रूव करना चाहिए कि वो किस तरीके से हमारी मेडिसिन के अंदर में क्या रिजल्ट्स दिखा सकते हैं. थैंक यू.